अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं और एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग मार्केट में मैं आपको लेके जा रहा हूं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, बैकग्राउंड में डिस्ट्रिक्ट फोर है। ये डिस्ट्रिक्ट फोर की मेन एंट्रेंस है, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके मुकाबले में ये बड़ी ग्रैंड लग रही है। तो इसके मैं सेकेंड फ्लोर पर जा रहा हूँ। इंतहाई इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जो कि हर घर की ज़रूरत होते हैं। आपको बड़ा मज़ा आएगा देखने में, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। कोशिश करूँगा कि वीडियो छोटी रखूँ और मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जो हैं उनको कवर करें। ये डिस्ट्रिक्ट फोर का जो है पूरा लेआउट है, यहाँ आप देख सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपको इंडोर पार्किंग लॉट्स मिलेंगी। सेकेंड फ्लोर के ऊपर आपको ग्लव्स, हैट और निटिंग प्रोडक्ट्स हैं, शू, टॉवल और लेसिस, थ्रेड, टेप वगैरह यहाँ पे। फोर्थ फ्लोर के ऊपर आप देख सकते हैं कि आपको ब्रा, अंडरवेयर, स्टाफ पैड्स मिलेंगे। और ये फिफ्थ फ्लोर के ऊपर आपको डायरेक्ट सेल सेंटर मिलेगा मैन्युफैक्चरर। दुनिया कितने जबरदस्त जो है, इसकी मेन हॉल है, नी शावर जमा महंगी। आजकल स्कूल में छुट्टियां तो आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा बच्चे नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सप्लायर्स हैं वो अपने फैमिली को यहीं पे ले आते हैं। एक एक दो दो बच्चा होता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी कंट्रोल्ड होता है, तो घर में इनको छोड़ नहीं सकते, तो इन सबको जो है वो मार्केट में ले कर आ जाते हैं। तो चलें देखते हैं। सामने तो मुझे ये कारपेट और रग्स नज़र आ रहे हैं। ये देखें जाए नमाजें, चाइना में भी सब जाए नमाजें बनती हैं, तस्बीहें बनती हैं। देखें ये नॉर्मल जो मैट होते हैं, डोर मैट वो हैं। ये बच्चों के बिब्स, सॉक्स, बच्चों के कपड़े। आपके जहन में कोई भी जो आइटम है जो घरों में इस्तेमाल होता है, जो हाउस होल्ड में, डेली नेसेसिटीज में, आप सिर्फ वो जहन में लेके यहाँ पे आ जाएं, आपको वो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा। और कई ऐसी चीज़ें आपको नज़र आएंगी जो अभी तक आपने ना सोशल मीडिया पे देखी होंगी, ना आपने उसको फिजिकली कभी देखा होगा। तो यहाँ पे जितनी भी नई डेवलपमेंट्स होती हैं वो प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ जाती हैं। अब ये देखें, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं, ये हैंगर्स हैं, ये स्टैंड है। अब इस बंदे ने सिर्फ हैंगर्स रखे हुए हैं, ये किसी और प्रोडक्ट में है नहीं। हर तरह का हैंगर आपको यहाँ पे नजर आएगा, वॉशरूम में लगाने वाला, कपड़े अपने हैंग करने वाला, छोटी आपको डमीज नजर आएगी कपड़े हैंग करने के लिए। ये देखें ये बच्चों के जो थर्मस होती है पानी वाली, हर तरह के वॉल पेपर्स। ये है जी न्यू बॉर्न बेबीज के जो नेट होते हैं सोने के लिए, ये तो सब जानते होंगे, हमारे बचपन में भी हम लोग ये यूज़ कर चुके हैं। गर्म पानी की जो है टकोर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स की शॉप है। एग्जैक्ट 12 बजे और लंच स्टार्ट हो गया। 7 बजे सुबह नाश्ता, 12 बजे लंच और शाम 6 बजे डिनर। हर तरह के कुशंस, ये भी बॉटल है। चलें किसी दूसरे सेक्शन में चलता हूँ। ये चीज़ें तो आपको पाकिस्तान में हर प्लास्टिक बर्तनों वाली दुकान के ऊपर नज़र आती हैं। ये देखें स्टील रूल है, वाइपर। ये जितने भी आपको पाकिस्तान में प्रोडक्ट नज़र आते हैं ये सारे जो है यहीं से जाते हैं, लेकिन ये क्वांटिटी में बेचते हैं, ये रिटेल शॉप्स नहीं। ये ऑफिस और घरों में रखने के लिए अच्छी क्वालिटी के डस्टबिन है, गारबेज बिन। ये आप देखें हर तरह की कैप्स हैं, हैट्स हैं। सामने भी सब हैट्स हैं, वो आप देख सकते हैं सामने भी सब हैट्स हैं। यहाँ पे इन्होंने कैप्स हैं ये रिटेल में भी लगाई हुई हैं, 20 RMB की ईच कैप दे रहे हैं ये।
क्वालिटी तो ओके है, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में ये कितने की होगी क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा कैप्स का वो नहीं हूँ, शौकीन नहीं हूँ, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये तकरीबन 800 रुपए की दे रहे हैं, साथ में QR कोड है, जो उनसी कैप पसंद है उठाएं, पेमेंट करें एंड दैट्स इट। ये देखें ये पैकिंग भी, अगर आपने बल्क में लेनी है तो आप बल्क में भी उठा सकते हैं। मुझे थोड़ा सा ज़ुकाम है जिसकी वजह से शायद मेरा जो है ना आवाज़ भी काफ़ी हैवी हो रही है। ये इंटरेस्टिंग है, वेस्टर्न हैट्स, ये इन्होंने 15 RMB का ईच लगाया हुआ, अगर आप एक पीस भी लेना चाहें तो आपको मिल जाएगा। शूज पॉलिश, ये मैं एक प्रोडक्ट आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये बड़ी ज़बरदस्त और यूज़फुल प्रोडक्ट है, ये अक्सर हमें ट्रेन में ट्रेवल करते हुए जो है ना इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे अगर ट्रेन के अंदर सीट नहीं अवेलेबल तो आप स्टैंडिंग टिकट भी ले सकते हैं, यानी आपको सीट नहीं मिलेगी, आप तो खड़े होकर जाएंगे। तो मैं अक्सर देखता हूँ चाइनीज़ लोग जो हैं उन्होंने ये अपने साथ रखा होता है, और ट्रेन तो क्लीन होती है साइड के ऊपर दरवाजे के पास, वो इसको इस तरह खोलते हैं और जनाब इसके ऊपर जो है ना वो बैठ जाते हैं। तो डिफरेंट साइज़ की जो है ना आपको मिलेंगी, 6 RMB, ये 6 RMB की बता रही है, यानी युआन और RMB सेम है, अगर मैं युआन कहता हूँ तो उसका मतलब भी वो सेम करेंसी है। दिस इज स्मॉल 4.3। बड़ी लाइट है, बड़ी ड्यूरेबल है। ओके अंडरस्टैंड। ये इसके बाकी भी आपको मैं प्रोडक्ट्स दिखा देता हूँ, बड़ी ह्यूज वैरायटी है इसके पास। इसके बराबर में जो है सब खाना बनाने वाले चम्मच हैं, यहाँ भी सारा बेसिकली स्टेनलेस स्टील, हार्डवेयर, किचन, हाउस होल्ड, डेली जो यूजेज के आइटम है वो आपको नजर आएंगे। ये फोल्डिंग वॉशिंग मशीन है, इनमें से आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज सकते हैं, मैं यहाँ से प्राइस लेके आपको दे दूँगा। मेरा जो आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी जाके कमेंट कर सकते हैं, वहाँ भी आपको बता दूँगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप वहाँ से भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हम इस नेक्स्ट शॉप पर आए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सब ये अमोनियम के कंटेनर हैं, एल्युमिनियम फॉयल सामने नजर आ रही है, रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा यूज है। इन्होंने हर तरह के स्टैंड रखे हुए, हर शॉप के बच्चे आपको नजर आएंगे। हर तरह की ट्रे, गोल्डन कलर, प्लास्टिक, इनके पास मेरा ख्याल है हर तरह का ब्रश है, जितना भी क्लीनिंग स्टफ है वो इनके पास है। All kinds of mirror, बंदे का दिमाग हिल जाए इतना प्रोडक्ट है।
समझ नहीं आती किस चीज़ को बंदा दिखाए और किसको नहीं। वीडियो बहुत लंबी हो सकती है अगर मैं हर चीज़ दिखाना शुरू करूँ। अगर ये ब्यूटी प्रोडक्ट में आता है ब्रश और डिस्ट्रिक्ट 3 के अंदर आपको काफ़ी मिलेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर भी देखें कितनी ज़्यादा वैरायटी मिल रही है सब डेंटल रिलेटेड प्रोडक्ट। बेबीज टूथ ब्रशेस, अच्छा ये आपके ब्रांड को भी डेवलप करके दे सकते हैं, यानी OEM भी आप करवा सकते हैं यहाँ से। ये तो जनरल आइटम है, जनरल ब्रांड्स हैं, लोकल ब्रांड हैं, लेकिन आप अगर चाहें तो आप अपना ब्रांड भी बनवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्वांटिटी बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। एटलीस्ट आई थिंक 10,000 पीस ये ब्रश का बना के देते हैं, तब आपको अगर आप 10,000 पीस का ऑर्डर करें एटलीस्ट तो ये आपको एंटरटेन करेंगे। अदरवाइज फिर आपके इनके पास जो भी स्टॉक है वो आपको लेना पड़ेगा, ज़्यादातर लोकल स्टॉक्स ही होते हैं, क्योंकि ब्रांड जो है वो आप यहाँ से पाकिस्तान इंडिया भिजवा तो सकते हैं, तरीके तो बहुत हैं, लेकिन लीगली जो है ना वो अलाउड नहीं होता। डेंटल फ्लॉस, ये फ्लोरिंग के लिए जी, सारी प्रोडक्ट फ्लोरिंग से रिलेटेड। डिश वॉशिंग के लिए जो यूज होते हैं ये बैग्स, एक्चुअली ये बैग की मार्केट जो है वो डिस्ट्रिक्ट 2 का, लेकिन यहाँ पर भी आपको ये नजर आ रहे हैं। ये सामने मेरा ख्याल है बेबीज बैग्स हैं, हाँ जी एक्चुअली मदर बैग भी इनको कहा जाता है, न्यूली बॉर्न बेबीज के लिए आप यहाँ पे सामान रख सकते हैं। यहाँ चलिए दूर से आ चुके ये वाला 26 का दे रहा और आशिवु 25 का बेर, ये 24 का बेर। सिंगल जिप वाला 24 का और डबल जिप वाला 26, जी इलेक्ट्रिक स्पेस हीटर, इलेक्ट्रिक फैन हीटर, मैनुअल जूसर। मेरे ख्याल में तो ये बड़े जबरदस्त होते हैं, मुझे तो ये ज्यादा पसंद है, ये जो मैनुअल सही तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं, अगर आपने कोई भी जूस हल्का निकालना तो ये बड़ा मजेदार काम करते हैं। ये पूरी शॉप के अंदर चॉपिंग बोर्ड आपको नजर आएंगे। इतना खूबसूरत टी कॉफी कप पड़े हैं यहाँ पे। थोड़ा मुझे डिफरेंट लगा, वॉशरूम और किचन में या अपने लिविंग एरिया में किसी भी तरह का स्टैंड आपको चाहिए तो ये आपको यहाँ पर मिलेगा।
all kind of bags, plastic bag, garbage bag, packing bag, घर में use होने वाले bag. ये पूरी street plastic bags हैं. ये भी सब plastic bags. और ये right side पे भी सब plastic bags हैं. ये पूरी street जो है आपको gloves नजर आएंगे. Not only winter gloves, but ये जो आपको working gloves हैं, बर्तन धोने वाले, काम करने वाले, हर तरह के आपको gloves नजर आएंगे. ये शॉप मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है. देखें, ये सिर्फ इनसोल बेचते हैं. जो एथलेटिक्स होते हैं उनकी अपनी जो पैर की फिटिंग होती है शू के मुताबिक, कभी कभी वो एडजस्ट नहीं हो रही होती, तो उसके अंदर आप इस सपोर्टिंग इनसोल रख सकते हैं. मेरे साथ इस शॉप के जो सेल्समैन हैं ये आए हैं. इनसे मैं पूछता हूँ कि क्या ये सिर्फ एथलीट के यूजेज के लिए या कि डेली लाइफ में भी हम यूज़ कर सकते हैं. हाय, आई जस्ट वांट टू आस्क यू, दीज आर जस्ट फॉर द एथलीट्स और वी कैन यूज इन टू आवर नॉर्मल शूज आल्सो? नॉर्मल शूज, या सो इट्स फॉर द इन आवर डेली लाइफ वी कैन यूज इट. तो ये नॉट नेसेसरीली कि स्पोर्ट्स एथलीट्स के लिए, बल्कि नॉर्मल जो यूजेज है उसमें भी आप ले सकते हैं इसको. ऑफिस शूज़ के लिए या जो भी आपके रेगुलर शूज़ हैं आप उनको भी मोर कंफर्टेबल कर सकते हैं इन सोल्स के साथ. ये ट्रैवल बैग भी हैं और बेसिकली ये शॉप है ब्यूटी बॉक्स की. इस शॉप पे तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं वो न्यूली बॉर्न बेबीज से रिलेटेड, बर्थडे पार्टी रिलेटेड प्रोडक्ट्स. ये बड़े बड़े जो गार्बेज बिन है उसकी शॉप. बेसिकली ये फैक्ट्री आउटलेट्स होती हैं, आप यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं. सिर्फ इन्होंने एक डिस्प्ले सेंटर रखा होता है. कटलरी, ये शॉप है, इसमें मुझे कर्टन नजर आए हैं बड़े खूबसूरत. ये बड़ी इंटरेस्टिंग शॉप है. यहाँ पे आपको कमोड की सीट्स मिलेंगी, टॉयलेट कमोड की सीट्स, छोटे बच्चों के लिए भी कमोड बने हुए हैं. ये टॉडलर्स के लिए भी है. सिर्फ सीट्स हैं यहाँ पे, यहाँ में भी उनके प्लास्टिक सीट्स. तो ये जो मैं आपको प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ ये वेस्टर्न कंट्रीज में तो काफ़ी कॉमन है, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भी, क्योंकि अपार्टमेंट छोटे छोटे होते हैं, जगह बड़ी महंगी हैं, तो लॉन्ड्री के लिए यहाँ पे ये बैग्स रखे जाते हैं कि जो आपकी वॉशेबल लॉन्ड्री है आप उसको इन बैग्स के अंदर डाल देते हैं और फिर जब ये भर जाता है तो आप उसको वॉश कर लेते हैं. लेकिन हमारे यहाँ तो वॉशिंग मशीन के अंदर ही जो है धुलने वाले कपड़े या किसी एक जगह के ऊपर ढेर लगा देते हैं, लेकिन नॉर्मली लोग इन बैग्स को यूज़ करते हैं. आज शॉप पे सिर्फ टूथपिक्स और एयरबड्स हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल की इनकी सेल्स होंगी. इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है. मैंने जितने प्रोडक्ट्स आपको इस वीडियो में दिखाए हैं वहाँ से आपको एक चीज़ का अंदाज़ा यकीनन हो चुका होगा कि कितनी बड़ी वैरायटी है यहाँ पे.
जो भी आप चीज़ें डेली यूज में लेते हैं अपने घर में किचन में यूज करते हैं वो तकरीबन तभी आप तकरीबन वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे आसानी से मिल सकती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।